हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं। किसको बच्चों? लेक्चर नंबर 9। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर आप लोगों का आज का होने वाला है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की होगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पढ़ लिया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पढ़ लिया था, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स तक हमने स्प्लिटिंग पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने, आई होप कि आप लोगों को वो सब समझ में आ गया होगा। अगर वो समझ में नहीं आया है तो एक और बार मैं आपका रिपीट करता हूँ। इन शॉर्ट कि अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होता है तो कैसा होता है बच्चों? देखो, ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होगा तो ये आपका कौन सा था? सिमेट्रिकल फील्ड में इमेजिनरी कंडीशन, और इमेजिनरी कंडीशन में यहाँ पर आपका कौन जाता है बच्चों? दो ऊपर जाते हैं और तीन नीचे आते हैं। ऐसा था हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऐसा था हमारा क्या? ऑक्टाहेड्रल के प्रेजेंस में और टेट्राहेड्रल के प्रेजेंस में हमारे कैसे थे बच्चों? इस टाइप का ऑर्बिटल मैंने बनाया था। सो चेक करो इस सबको बच्चों, काफी इजी है, काफी सिंपल है। ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग इस सबको। ठीक है, और ये मैंने बनाया था, ये मैंने कहाँ बनाया था बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और ये मैंने कहाँ बनाया था बच्चों? आप लोगों का टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये मैंने कहाँ बनाया था बच्चों? आप लोगों का टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। आई होप सो कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने डील किया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल और इसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, और यहाँ पर तीन था बच्चों। इसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल और इसको हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब यहाँ पर कौन सा था बच्चों? DX2Y2 और यहाँ पर DZ2 और यहाँ पर कौन सा था? DXY DYZ DZX और यहाँ पर क्या है बच्चों? DXY DYZ DZX और यहाँ पर क्या आएगा? DX2Y2 और यहाँ पर आएगा DZ2। ठीक है, ये आपका इस तरीके से मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया था। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैंने मतलब नोटेशन दिया था। इसको क्या बोलते हैं? बरी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? बरी सेंटर। ये भी मैंने बताया था, आई होप सो कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा। इसको बोलते हैं बरी सेंटर और इसको भी क्या बोलते हैं? बरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बरी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, देखो ये वाला करो ना, 2/5। हमेशा तीन वाले में 2/5 लगाओ, 2/5 डेल्टा टी। और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा? 3/5 डेल्टा टी। और ये टोटल कितना होगा बच्चों? डेल्टा टी। दैट इज कॉल्ड द CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब CFA स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी आपका क्या होगा? डेल्टा नॉट। ठीक है, ये आपका कितना होगा बच्चों? ये वाली वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है, ये वाली वैल्यू होगी आपकी 3/5 डेल्टा नॉट, और ये वाली वैल्यू होगी बच्चों आपकी 2/5 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये वाली वैल्यू एनर्जी लेवल के ऊपर है तो प्लस, ये वाली वैल्यू इस लेवल से नीचे है तो माइनस, ये वाली वैल्यू इस लेवल के ऊपर है तो प्लस, ये वाली वैल्यू अगर इस लेवल के ऊपर है, इस लेवल के अगर ऊपर होगी तो प्लस, इस लेवल के नीचे है तो माइनस। ठीक है, ये मैंने बना दिया। देखो काफ़ी ईजिली मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको आप लोग याद रखो। ठीक है, स्क्वायर प्लैनर भी काम में आएगा, वो उससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन ले लूँगा, उतना आपका उसमें आपका रोल नहीं है, उतना आप लोगों का ये आपका काम में नहीं आने वाला बच्चों, इस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। बेटा यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से जान लो, जिसको आप अच्छे से जान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा देता हूँ बच्चों में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको लिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये ज़्यादा आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड ही आपको पहले लिखाऊंगा, फिर मैं स्क्वायर प्लैनर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को डिस्कस 100% श्योर मैं करने वाला हूँ, डोंट वरी।
डोंट वरी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सीएफएससी और पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी के बारे में डिस्कशन में करूँगा आप लोगों को। पहले हम समझ लेते हैं, अगर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, समझना ध्यान से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में आपकी पेयरिंग एनर्जी होगी, ठीक है, और सीएफएसी मतलब डेल्टा नॉट या फिर डेल्टा टी, दोनों में से जो भी मैं वो बोलूं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में आपका कौन ज्यादा होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में आपकी सीएफएसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा? और यहां पर अगर मैंने बात किया सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में क्या होगा? देखो यहाँ पर आपकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों का ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू डेल्टा नॉट और डेल्टा टी, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, सर आपने लिखा तो दिया ये चीज़, लेकिन ये कैसे समझें हम लोग ये पॉइंट को कैसे समझें? तो इस पॉइंट को समझने का आसान सा एक तरीका है बच्चों, देखो यहाँ पर इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिस्कस बच्चों, हम लोग डील करेंगे तो कुछ पॉइंट्स समझना। अगर डेल्टा नोट आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये आपका ऊपर ना जाके नीचे पहले पेयरिंग होगा, मतलब जब ऐसा कंडीशन होगा तब क्या होगा, फर्स्टली आपकी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव अपर एनर्जी लेवल और वाइटल। बात समझ में आया? पहले इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होगा, उसके बाद अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंट होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल मूव अपर एनर्जी लेवल और वाइटल, then pairing will proceed in lower energy level or vital, ठीक है, बात क्लियर है? तो इसका मतलब बात को समझो, अगर पहले यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, पहले यहाँ पर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ बच्चों आपको। अभी देखो यहाँ पर मैं एक इसका दूंगा, समझ लेना, इसमें मैं स्ट्रॉन्ग लेता हूँ वीक लेता हूँ, बात तो एक ही है, मैंने इसको ऐसे बना रखा है तो इसका मतलब बात तो एक ही है, ठीक है ना, बात तो आपका एक ही है। देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हुआ तो अगर मुझे चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हुआ तो 1, 2, 3, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, पहले पेयरिंग होगा तो चार नीचे आएगा, समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में ऐसे करेंगे। अगर मेरा लिगेंट कैसा हो, वीक फील्ड लिगेंट हो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में SFL में हम ऐसे भरेंगे और WFL में हम कैसे भरेंगे बच्चों? देखो अगर WFL होगा तो मैं टेट्राहेड्रल में ही बता देता हूँ,
क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, हम लोग चार चार को भरना है, तो सबसे पहले आप अपर एनर्जी लेवल में भरोगे, वीक फील्ड लिगेंड होगा, देन आफ्टर आप पेयरिंग करोगे, देन आफ्टर आपका पेयरिंग होगा। इस बात को ध्यान से समझो, देखो एक दो तीन चार, समझ में आया? इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरने होते हैं, ठीक है? इस तरीके से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को भरने होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भरना अगर आपने सीख लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपके लिए हो गया आसान। तो अब हम नेक्स्ट, सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, दूसरा वाला लाने के लिए। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहले हाँ, यहाँ पर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शन ऑफ डी फोर डी फाइव डी सिक्स एंड डी एट इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैं भी बताऊंगा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से, याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, काफी इजी है, काफी सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं टेट्राहाइड्रल वाला बता रहा हूँ, मैं एक ही, यहाँ पर मैं ऑक्टाहाइड्रल वाला बताता हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्टाहाइड्रल वाला बताता हूँ, मैं एक ही बार बताऊंगा बच्चों, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तीन से चार बार लिख लेना आप लोग, ठीक है ना? टेट्रा, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये मैं एक ही बार बता रहा हूँ आप लोगों को समझना है, ठीक है? ये मैं एक ही बार बता रहा हूँ आप लोगों को समझना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल का स्प्लिटिंग लिख देता हूँ मैं, एक यहाँ पर, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, ठीक है? ये ऊपर जाएगा दो दो ऑर्बिटल, नीचे जाएगा तीन ऑर्बिटल, ठीक है? यहाँ पर किस तरीके से होता है स्प्लिटिंग बच्चों, आप लोगों को बताया गया है ये सब। ऊपर जाएगा तीन ऑर्बिटल, नीचे जाएगा दो ऑर्बिटल, यहाँ पर ई जी है, यहाँ पर टी टू जी है, यहाँ पर आपका टी टू जी है और यहाँ पर आपका ई जी है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में करवाना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते जाते हैं बच्चों डी फोर, डी फोर के कंडीशन में क्या होगा, डी फोर के कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले डी फोर, सबसे पहले डी फोर था ना, तो पहले डी फोर को भरना सीखते हैं। अब देखो डी फोर को हम लोग कैसे भरेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले क्या होगा बच्चों, पेयरिंग होगी। पहले क्या होगा बच्चों, आपके पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, पहले क्या होगा पेयरिंग होगी, ठीक है? देख लेते हैं, अब पहले पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन भरने, तो एक दो तीन चार, ठीक है? और अगर टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, पेयरिंग पहले होगी एक दो तीन चार। अगर मैं लिखना चाहूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा, टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, चार, और ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जीरो। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका कैसे लिखेंगे बच्चों, ई जी में कितने बच्चों यहाँ पर, चार, और टी टू जी में कितने बच्चों यहाँ पर, जीरो। पर एक और तरीका ध्यान रखो, जब भी ई जी आपका आगे आ जाए, इसका मतलब ये बात श्योर है कि वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आगे पीछे करके भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है? ये तो हो गया आपका डी फोर के लिए, ठीक है ना? ये हो गया आपका डी फोर के लिए। अब देखो डी
डी किसके लिए बच्चों, अगले अगले आप लोग इसको फिर से बनाइएगा, फिर से लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं इसी में इम्प्रोवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अगला मुझे किसके लिए बनाना है, डी फाइव के लिए। डी फाइव के लिए कैसे बनाएंगे, देखो डी फाइव के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक दो तीन चार पाँच, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, टी टू जी फाइव ई जी जीरो, जी ई जी के अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन है, ई जी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जीरो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं हम, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं अच्छे से। डी फाइव का बताना है उस पर, तो बना लेते हैं डी फाइव का। डी फाइव का कैसे बनेगा बच्चों जल्दी बोलो, यहाँ पर डी फाइव में पांच इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, एक दो तीन चार, फिर ये ऊपर जाएगा पांच, पहले मतलब पेयरिंग होगी ना, इसका मतलब पहले क्या होगी बच्चों, यहाँ पर पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर पहले पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर डी फाइव पर आपका क्या बनेगा बच्चों, डी फाइव पर आपका यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा, ई जी एजी फोर टी टू जी वन, क्लियर है, क्लियर है। अगला डी सिक्स के लिए कैसे बनाएंगे बच्चों, डी सिक्स के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों समझते हैं, डी सिक्स के लिए कैसे बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो इसका मतलब पहले पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पहले ऊपर ना जाके पहले क्या होगी बच्चों, पेयरिंग होगी, ठीक है ना, ठीक है। चलो देखो डी सिक्स के लिए, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा डी सिक्स के लिए बोलो, पहले पेयरिंग होगी, एक दो तीन चार पाँच छ, तरीका समझो, पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, एक चीज ध्यान से समझो, सेम एनर्जी लेवल में एक एक भरता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे पेयरिंग करानी है या ऊपर जाना है, देन आफ्टर मैं करता हूँ काम, ठीक है। तो यहाँ पर D6 में क्या बनेगा, यहाँ पर D6 में क्या बना बच्चों, T2G6 EG0, और यहाँ पर क्या बना बच्चों बोलो, EG4 T2G2। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब किसके लिए करें बच्चों, D8 के लिए, D8 के लिए कैसे करेंगे देख लेते हैं, D8 के लिए, डी एट के लिए बनाओ आप लोग, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके एक बार बनाओ, फिर चेक करो कि क्या मैं सही बना रहा हूँ, ऐसे करो ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या बिल्डअप हो बच्चों, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, देख लेते हैं हम लोग। अब देखो वीडियो को पोस्ट करके बनाना आप लोग भी, स्टार्ट करो फिर आप इसको आगे की ओर देखना। अब देखो डी एट में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी टू जी सिक्स ई जी टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एट में, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर ई जी फोर टी टू जी फोर। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो तरीका है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो तरीका है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला तरीका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप सो कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है, बट इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो मैं यहीं पर इसी को हटाता हूँ, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, किसके प्रेजेंस में बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। तो देख लेते बच्चों, तो एक जगह मुझे टेट्राहेड्रल लिखना पड़ेगा और एक जगह मैं ऑक्टाहेड्रल बनाता हूँ, एक जगह मैं टेट्राहेड्रल बनाता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ मैंने बनाया ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, और यहाँ मैंने बनाया बच्चों टेट्राहाइड्रल, ठीक है, ये मैंने हो गया टेट्राहाइड्रल। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखो जल्दी से ऑक्टाहाइड्रल कैसे बनाएंगे बच्चों, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ऊपर कितना जाएगा बच्चों, दो जाएगा ई जी ऑर्बिटल,
दो ईजी जाएगा, नीचे क्या जाएगा बच्चों, एक दो तीन, इसको क्या बोलेंगे, टी टू जी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया बात। और टेट्राहेड्रल के लिए कैसे बनता है बच्चों, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग आपकी कैसी होती है बच्चों, यहाँ से जाएगी तीन ऊपर जाएगा, एक दो तीन, यहाँ से जाएगा तो दो नीचे जाएगा, ये हो गया आपका टी टू जी और ये हो गया आपका ई जी। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो अगर मुझे डी फोर का निकालना है तो क्या होगा, अगर मुझे डी फोर का निकालना है तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो डी फोर का हम कैसे निकालेंगे। देखो समझना, डी फोर का मतलब चार इलेक्ट्रॉन भरने, चार इलेक्ट्रॉन भरने, तो चार इलेक्ट्रॉन भरो, यहाँ पर भी चार इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऐसे होता है यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन, तो आप चार इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, एक दो तीन, और ये कौन सा लिगेंट है, वीक, वीक पहले पेयर नहीं कराएगा, वीक पहले क्या करेगा बच्चों, वीक फील्ड लिगेंट पहले ऊपर भेजेगा, ठीक है, ये हो गया चार, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, जी जल्दी बोलो, टी टू जी थ्री ई जी वन, ठीक है। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ डी फोर का तो कैसे होगा बच्चों, वीक फील्ड लिगेंट की प्रेजेंस में पहले ऊपर जाएगा, देन आफ्टर पेयरिंग होगा, ठीक है। अब बोलो जल्दी से, यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन भरने, क्या होगा, एक दो तीन चार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ई जी टू टी टू जी टू, बात क्लियर है, ये हो गया हमारा। देन आफ्टर अगला जो पॉइंट हमारा यहाँ पर समझने लायक है वो क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, अगला जो पॉइंट हमारा समझने लायक है मैं इसको बना दूंगा वापस, ठीक है। देख लेते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा कौन सा है, ठीक है, देख लेते हैं अगला वाला, एक दो तीन चार, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने बच्चों, पांच इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, पांच, तो पांच इलेक्ट्रॉन भरिए, एक दो तीन, वीक फील्ड लिगेंड है ऊपर जाएगा वापस, तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, टी टू जी, बोलो तीन इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ई जी दो, क्लियर हुआ, इसको समझ लेते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरोगे बच्चों, यहाँ पांच होंगे, यहाँ ऐसे पांच हो सकते हैं, इस चीज के लिए आप है ना, पांच मतलब डी फाइव का मतलब यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन है, ये वाले डी फाइव का मतलब इस पर पांच इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका पांच इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोलो जल्दी से, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ई जी टू टी टू जी थ्री, ठीक है। अब अगला बताओ बच्चों कैसे करेंगे, अगला बताओ कैसे करेंगे बच्चों, अगला आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, अगला आपके पास कौन सा आ गया, देख लेते हैं बेटा, अगला हमारे पास है डी सिक्स। आप लोग वीडियो को पॉज करो, बनाओ एक बार, बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। अब देखो टी टू जी, टी टू जी में तीन होते हैं, एक दो हो गए, ई जी में दो होते हैं, एक दो, ठीक है। यहाँ पर टी टू जी में कितने होते हैं बच्चों, तीन होते हैं, एक दो, यहाँ पर ई जी में दो होते हैं, ये हो गया। चलो अब फटाफट बनाते हैं हम कौन सा, डी सिक्स, डी सिक्स क्या होता है बच्चों, एक दो तीन चार पाँच। अब क्या होगा इस यहाँ पर, अब इसके पास कोई चांस नहीं है ना, अब इसके पास कोई चारा नहीं है, कोई मतलब अब इसकी मजबूरी है कि अब इसको अपने आप पेयरिंग करना पड़ेगा, तो ये लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं हो रही है। अब बात को ध्यान से समझना है, इस कंडीशन में अब लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग अपने आप हो रही है, पेयरिंग अपने आप हो रही है। यहां पर लिगेंड की वजह से पेयरिंग होती तो वो पहले वाले कंडीशन में सारे लिगेंड की वजह से पेयरिंग आपकी हो रही थी, यहां पर लेकिन अपने आप पेयरिंग हो रही है, समझ में आया। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो टी टू जी फोर ई जी टू, और यहां पर बताओ छह इलेक्ट्रॉन भरने, एक दो तीन चार पाँच छ, यहां पर भी पेयरिंग लिगेंड की वजह से हो रही है, नहीं अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं है और ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन भरने को, तो अब मुझे जबरदस्ती वहां पेयरिंग होनी ही है, तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो जल्दी से,
Eg3 T2G3 ये बन गया। अगला देखो D8 का बोला गया हमको, हमको किसका बोला गया है D8 का। देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से एक बार, तब तक आप लोगों को कैसे आएगा बच्चों? आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस लूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ऐसे, एक दो, ये आपका हो गया ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे, और ये हो गया आपका ऐसे। अब बोलो जल्दी से, अब कैसे कराओगे? आठ है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। पहले क्या होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, भरो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो क्या हो जाएगा? T2G6 Eg2। अब इसके प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, निकालो तो थोड़ा सोचो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो क्या होगा? T2Eg4 T2G4। ये इस तरीके का आपका कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन को माइंड में सेट करके चलना है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो आगे की चीज़ें अपने आप आ जाएगी, ठीक है, आगे की चीज़ें अपने आप आपको आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अब मैं आपको बता देता हूँ। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की क्या होता है बच्चों? इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें मैक्सिमम नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट रहेंगे उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जनरली फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। बात क्लियर है? अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा बच्चों, समझते हैं। इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट जनरली फॉर्म्ड बाय यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जनरली फॉर्म बाय वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पर आएगा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है? फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। ये बात ध्यान रखो, मतलब अगर आपका वीक फील्ड लिगेंट है इसका मतलब वो कौन सा बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है इसका मतलब वो क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये एक तरीका है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो अब हम यहाँ पर देखते अगला पॉइंट हमारा, कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस सी का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब सी एफ एस सी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, समझेंगे सी एफ एस सी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखते हैं। अब ये बना देता हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक बार हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, और एक हम किस में देखेंगे बच्चों? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। दोनों में हम सी एफ एस सी का निकालना देखेंगे, कैसे निकालते हैं हम सी एफ एस सी को, ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वापस, तुम्हें आप समझ में, अब तो तुम्हें याद भी हो जाएगा अगर बार बार बनाओगे तो। ये ऐसे ही बनता है आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये T2G ऑर्बिटल और ये Eg ऑर्बिटल, ये कौन सा होगा बच्चों? T2G और ऑर्बिटल। क्या मुझे ऑर्बिटल के नाम लिखने पड़ेंगे? T2G मतलब होता है विच ऑर्बिटल इन विच लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन, और T2G क्या होगा? ऑर्बिटल इन विच लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस,
दैट इज कॉल्ड एजी ऑर्बिटल एंड अदर वन इज कॉल्ड व्हाट T2g ऑर्बिटल। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल बना लेते हैं, बना लिया। अब टेट्राहेड्रल में ऊपर कौन जाएगा बच्चों, T2g, T से टेट्राहेड्रल, T से T2g, तो यहाँ पर जाएगा ऊपर आपका टेट्राहेड्रल मतलब T2g और यहाँ जाएगा EG। एक सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं आपको याद रखने का मैं एक सिंपल तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर। अब देखो टेट्राहेड्रल है तो T2g ऊपर जाएगा, टेट्राहेड्रल है तो T2g ऊपर जाएगा और EG कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसमें CFAC का फॉर्मूला क्या होता है। CFAC इक्वल टू इसके बीच का गैप कितना होता है बच्चों, डेल्टा नोट। इसके बीच का गैप कितना होता है, डेल्टा नोट। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपकी, मैंने बताई थी तीन वाले में 2/5 डेल्टा नोट, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपकी 3/5 डेल्टा नोट। और ये एनर्जी लेवल के ऊपर है तो प्लस, ये एनर्जी लेवल के नीचे है तो माइनस, ये मैंने बताया था अभी। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, देख लेते हैं, प्लस 3/5 ये EG और ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल मतलब EG ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनस माइनस साइन के साथ 2/5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होंगे, T2g ऑर्बिटल में होंगे, बात क्लियर है। और इन सब के बाहर हम क्या लगा देंगे बच्चों, कैलकुलेशन के बाद डेल्टा नोट प्लस MP, पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये एक तरीका है आपका, फॉर्मूला है CFAC निकालने का। देखो कि ये कैसे निकाला, बड़ी इजीली हमने लिख लिया। अगर आप लोग अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे, लिखना समझ गए होंगे, तो ये भी आप लोग इजीली लिख सकते हो खुद से। अगर आप वीडियो को पोस्ट करके लिखना चाहते हो तो लिखो। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 2/5 प्लस या माइनस एनर्जी लेवल के ऊपर है, तो ये डेल्टा टी होगा। यहाँ क्या होगा, डेल्टा टी, क्योंकि टेट्राहेड्रल में किससे दिखाते हैं बच्चों हम लोग, टोटल डेल्टा टी से। ठीक है, यहाँ क्या होगा बच्चों आपका 3/5 माइनस डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या होगा CFAC का फॉर्मूला, जल्दी बोलो, 2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो प्लस साइन है और इसके साथ माइनस है, तो 3/5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल पे हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो टोटल पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डेल्टा टी लगा देंगे प्लस MP मतलब पेयरिंग एनर्जी। अब ये इसका खेल में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये एक तरीका है, सिंपल तरीका, दोनों फॉर्मूले ज्यादा बड़े नहीं है, याद रखना वो और आसान है। पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। देखो इसका अगर तुम्हें याद रहेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपने आप तुम लोग फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन MP लगाना मत भूलना, MP लगाना मत भूलना, बहुत सारे जगह MP नहीं दिया हुआ है। सो आई होप कि आप लोगों को MP का नॉलेज हो जाएगा। MP को ध्यान रखना, MP सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, MP सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, काफ़ी इजीली वे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मैंने CFAC निकालना सीख लिया। ठीक है, अब मैं CFAC से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आप लोगों को इस कंसेप्ट पे शार्पनेस और इन्हें ग्रिप क्रिएट हो, आप लोगों का ग्रिप और शार्पनेस आप लोगों की इस कंसेप्ट पे क्रिएट हो। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, ग्रिप क्रिएट करना है ना आप लोगों को इस टॉपिक्स पे। ये टॉपिक पे अगर आपने ग्रिप क्रिएट कर लिया, मतलब बहुत आगे हो। अब देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द CFAC फॉर ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विद D4, D5,
D6 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, D6 वहीं से खेल स्टार्ट होगा। D8 कैलकुलेट द CFAC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D4 D5 D6 D8 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाला ही, बस यहाँ पर CFAC कैलकुलेट कराना सिखाया है। पहले वाला क्वेश्चन लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बच्चों, यहाँ मैं सॉल्यूशन समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ मैं बना लूँगा ऑक्टाहेड्रल के लिए और यहाँ मैं बना लूँगा टेट्राहेड्रल के लिए। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ बच्चों ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, और यहाँ मैं बना लेता हूँ टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। दोनों के लिए बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, दोनों के लिए बना लेते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, इसको समझते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, Eg ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और टेट्राहेड्रल के लिए कैसे बनाएंगे बच्चों, ये तो आप लोगों को अब बनाना आ चुका है, अब एक्चुअली इसका कॉम्प्लेक्स में कैसे एप्लीकेशन डालना है वो बताना बाकी है बस। ये T2g ऊपर जाएगा और Eg आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा Eg ऑर्बिटल और ये हो जाएगा आपका T2g ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको डील करना है। काफ़ी सिंपल तरीका है, काफ़ी आसान है, बस आप लोगों को समझो मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों को एक दिन पहले मैंने पूरा थ्योरी बताया था अच्छे से, ठीक है। अब देखो मुझे किसके लिए बनाना है, सबसे पहले D4 के लिए CFAC कैलकुलेट करना है। मुझे CFAC किसके लिए कैलकुलेट करना है, D4 के लिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, और अब मुझे कौन से फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, पहले पेयरिंग होगी। बात समझ में आई, पहले पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले पेयरिंग होती है, ठीक है। तो इसके लिए CFAC कैसे निकालेंगे बच्चों, जल्दी बोलो। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होती है बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होती है, ये वाली वैल्यूज होती है आपकी कितनी, जल्दी बोलो। यहाँ पर होगा 2/5 डेल्टा नोट, और यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 3/5 डेल्टा नोट, और टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी, डेल्टा नोट। टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी, डेल्टा नोट। ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ, ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो निकालते बच्चों यहाँ पर प्लस 3/5 डेल्टा नोट। अब 3/5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब 3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नहीं, अब नीचे वाले में देखते हैं -2/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के बाहर डेल्टा नोट, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेयरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पर ये पेयरिंग हो रही है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। तो एक एनर्जी आपका पेयरिंग का 1p लिखेंगे, 1p लिखेंगे, कितना p लिखेंगे, 1p लिखेंगे। तो अब कितनी हो जाएगी वैल्यू बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना 3/5, ये आपका हो गया आपका 0 माइनस 8/5 8/5 डेल्टा नोट प्लस 1p। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -8/5 डेल्टा नोट प्लस 1p। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ये मैंने बड़े आसान तरीके से बताया, ठीक है। अब मैं D6 और D8 का बताऊंगा, आपको D5 का खुद करना है, सेल्फ होमवर्क, D5 का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। D6 का मैं आपको बताऊंगा, D8 का भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, दोनों होमवर्क है, ध्यान रखना।
ठीक है। अब देखो, अब आपको D4 के लिए निकालना है यहाँ पर CFAC, तो CFAC निकालने के लिए यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 1 2 3 4, चार इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कैसे भरेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, 1 2 3 4। अब तुम लोग जानते हो बच्चों, आप लोग, कि यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/5 डेल्टा टी, ये पूरा डेल्टा टी होता है, ये पूरा आपका डेल्टा टी होता है, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2/5 डेल्टा टी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्लियर हुआ। ये इस तरीके का कंसेप्ट है, काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, D4 है, तो CFAC लिखना है आपके किसके लिए, CFAC4 आप लोगों को D4 के लिए लिखना है। तो D4 के लिए कैसे लिखोगे बच्चों, बोलो। आप देखो कि कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्लस 2/5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2G में 0, माइनस 3/5 इसमें कितने है, 4, और डेल्टा टी बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर पेयरिंग किसकी वजह से हो रही है, लिगेंड की वजह से हो रही है, लिगेंड की वजह से यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2p, कितना लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, 2p, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 2l/5 डेल्टा टी प्लस 2p। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने CFAC को कैलकुलेट किया है इन ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चों D6 कॉम्प्लेक्स की, किसकी बात कर लेता हूँ, D6 की, ठीक है। D6 के बारे में बता देता हूँ बच्चों में, इसी में अब देखो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन तो पहले से, D6 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इसको कैसे भरेंगे, भरने का तरीका मैं आपको फिर से बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, ये चीज़ मैं फिर से बताऊंगा, इसमें मैं आप लोगों से रिस्क नहीं लूँगा, इसमें मैं आप लोगों के लाइफ से रिस्क नहीं लूँगा। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब D6 के लिए आपको बताना है CFAC, तो कैसे निकालोगे CFAC इसके लिए, समझते हैं। सबसे पहले इसको भरो, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नीचे 1 4 5 6। अब इसके लिए CFAC कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 3/5 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, माइनस 2/5 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ये टोटल कितना होगा बेटे बच्चों, यहाँ पर डेल्टा नोट बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पर MP कैसे लिखेंगे, देखो पहले से एक पेयरिंग है, तो एक तो पेयर आपका होने ही वाला है, एक पेयर होने वाला है, अब ध्यान से समझना, लिगेंड की वजह से एक तो एक पेयर पहले से था, तो वो तो लिगेंड की वजह से नहीं हुआ, तो लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए, 2, तो यहां पर लिखा जाएगा 2p, यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2p, तो अब आंसर कितना होगा बच्चों, -12/5 डेल्टा नोट प्लस 2p। और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, कई बार बच्चे आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाओगे, सो दैट्स वाई आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, पेयरिंग पहले वाली पेयरिंग को भी देखो और बाद वाली को भी देखो, आप लोग ध्यान से समझ गए। अगला देखो इसमें कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर समझते हैं, 1 2 3 4 5 छे। अब देखो यहाँ पर पेयरिंग किसकी, यहाँ पर एक में तो पेयरिंग आनी आनी है, ठीक है, एक में तो पेयरिंग आपके आनी आनी है, ठीक है, एक पेयरिंग तो पहले से था तो एक में पेयरिंग पक्का आएगी, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, लिगेंड की वजह से, तो वहाँ पी की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, D6 के लिए CFAC देख लेते हैं, D6 के लिए हम लोग लिखेंगे CFAC कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कितना होगा, 2/5 × 2, ठीक है, माइनस वाला है ना, -3/5 × 4 इलेक्ट्रॉन है, 4, ब्रैकेट के बाहर डेल्टा टी। अब कितने पी आएगा, 1p आएंगे, कितने पी आएंगे बच्चों, 1p आएंगे। तो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4/5 -12/5 डेल्टा टी प्लस 1p, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 LCM लिया तो यहां पर आ जाएगा आपका 8/5 -8/5 डेल्टा टी प्लस 1p। आई होप सो कि अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया है।
ठीक है, काफी इजी, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। अब आप लोगों को D8 के लिए करना है खुद और D5 के लिए खुद करना है, और मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है होमवर्क करके, ताकि मुझे पता तो पड़े आप लोगों का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम किस में करते हैं बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करते हैं बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। तो जो जो जरूरत है वो मैं हटा रहा हूँ, और होमवर्क आपको वही करना है वीक फील्ड लिगेंड के भी प्रेजेंस में। अब देखो इसी को आपको करना है क्या, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ऊपर कितना जाएगा, 2। नीचे कितने आएंगे, 1 2 3। दैट इज कॉल्ड T2g ऑर्बिटल एंड दैट इज कॉल्ड EG ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया है बच्चों, आप लोग लिख भी सकते हो। अब तो 1 2 3 4 5। अब ऊपर कौन जाएगा बच्चों, T2g ऑर्बिटल, नीचे कौन जाएगा, EG ऑर्बिटल। कुछ गौर कर रहे हो बच्चों, EG में मैं ज़्यादा बना रहा हूँ हमेशा, ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं ऐसा नहीं कि दोनों को सिमिलर बनाना है, AG में ज़्यादा बना रहा हूँ मैं, जहाँ ज़्यादा बना रहा हूँ आप लोग देखो एकदम वैसे ही बनाया मैंने हर जगह। ये आपका T2G है, ये आपका AG है, थोड़ा सा ज़्यादा बनाने का रीज़न है। अब देखो यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा बातें कि अब देखो D4 के लिए CFAC निकालना है वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4। D4 के लिए आपको क्या निकालना है, CFAC निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इसके लिए बताओ, D4 वीक फील्ड है तो मतलब क्या करेगा बच्चों, पेयर नहीं करेगा। वीक फील्ड है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, पेयरिंग नहीं होगी, सीधा ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पर CFAC निकालते हैं, CFAC निकालो बच्चों। अगर आप लोग इस बात को जानते होंगे तो आप लोगों को आ जाएगा CFAC निकालना। इसके लिए टोटल वैल्यू कितनी होती है, फिर से वही चीज़ लिख रहा हूँ बच्चों मैं, डेल्टा नोट, यहाँ पर 3/5 डेल्टा नोट प्लस में, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -2/5 डेल्टा नोट। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली वैल्यू कितनी होती है बच्चों, डेल्टा टी। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 2/5 डेल्टा टी, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 2/5 होगी, और ये आपके 3/5 डेल्टा टी होगी। सॉरी उल्टा कर दिया, ये 3/5 और ये 2/5, तीन है ना। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस, और यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस, क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर है, और यहाँ पर भी ये आपका इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, प्लस माइनस साइन का भी बता दिया। आप CFAC निकालते हैं, देखो बच्चों CFAC कैसे निकालेंगे, प्लस 3/5, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पर -2/5, कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, बाहर क्या जाएगा, डेल्टा नोट। अब यहाँ कोई पेयरिंग हो रही है नहीं, तो 0p, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 3/5 -6/5, 3/5, 3/5 -6/5, देखो 3/5 -6/5, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये तो 0 तो हट गया, 5 को यहाँ पर हो जाएगा -3/5 डेल्टा नोट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब D4 के लिए निकालना है तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, देख लेते हैं, -3/5 पहले मैं ऊपर वाला लिख देता हूँ ताकि पहले से लिखता रहे, वही ट्रेंड आपका फॉलो हो, 4। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, -3/5 4 नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर, बाहर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, प्लस पेयरिंग तो एक भी नहीं हुई, तो 0p। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4/5 -6/5 डेल्टा टी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, -2/5 डेल्टा टी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने निकाल लिया डेल्टा टी और इन सब के टर्म में निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं इसको डेल्टा नोट को ही बोल रहा हूँ, डेल्टा नोट को अगर मुझे DQ के टर्म में लिखना है, तो 1 डेल्टा नोट इक्वल टू 10 DQ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, तो यहाँ पर 30/5
डी क्यू आंसर भी लिख सकते हैं हम केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल के लिए, केवल और केवल किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, अब यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर अब आपको होमवर्क में डी क्यू के टर्म में लिखना है ऑक्टाहेड्रल को, डी क्यू के टर्म में भी लिखना है ऑक्टाहेड्रल को, ऑक्टाहेड्रल को किसके टर्म में लिखना है, डी क्यू के टर्म में। ये वाला तो मैं फिर से बनाऊंगा पूरे, इससे रिस्क नहीं लेना है, इससे रिस्क नहीं लेना है, ये मैं फिर से बनाना बताऊंगा। हाँ चलो ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ पर एक ऐसा, ठीक है, यहाँ पर एक दो तीन, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर एक और ये दो, ठीक है, यहाँ से आप लोगों से लाइफ से रिस्क नहीं लेना है। चलो ठीक है, अब इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन वाला बता रहा हूँ बच्चों में, डी सिक्स वाला, तो देखो आप डी सिक्स वाला बनाओ, एक दो तीन, वीक फील्ड लिगेंट है, चार पाँच छः, एक पेयरिंग यहाँ था, एक पेयरिंग यहाँ है, अपने आप आ गया, ये भी आपका डी सिक्स है, तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक पेयरिंग यहाँ था, एक पेयरिंग यहाँ है, इसका मतलब लिगेंट की वजह से नहीं हुआ है। चलो अब हम इसका डी सिक्स का सी एफ ए सी लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, सी एफ ए सी लिखने का तरीका, वैल्यू सामने लिखी हुई है बच्चों आप लोगों के, 3/5 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस 2/5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल टू डेल्टा नोट प्लस 0p, क्योंकि लिगेंड की वजह से, यहाँ पर ड्यू टू द लिगेंड लिखते हैं, ड्यू टू द लिगेंड वाली वैल्यू, ड्यू टू द लिगेंड वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 6/5 माइनस 8/5 इक्वल टू डेल्टा नोट, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 2/5 डेल्टा नोट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बताओ D6 के लिए CFAC हम कैसे लिखेंगे बच्चों, D6 के लिए हम CFAC यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो 2/5 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यहाँ पर कितने, -3/5, यहाँ पर कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक दो तीन ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका कौन सा है बच्चों, ये आपका टेट्राहेड्रल है, और यहाँ पर पेयरिंग पहले एक थी, अभी भी एक है, इसका मतलब लिगेंड की वजह से नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0p। इस बात को, कंसेप्ट को ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 6/5, बेटा कोई कोई नहीं बताएगा इस कंसेप्ट को, मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, इसका मतलब कोई फैक्ट है बच्चों, डेल्टा टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3/5 डेल्टा, नो नोट नहीं, ओ का मतलब 0, टी का मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर CFAC की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आई होप सो कि अब आप लोगों को CFAC की वैल्यू को कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर मुझे इसको DQ के टर्म में लिखना हो तो 1 डेल्टा नोट इक्वल टू 1D 10 DQ ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, -20/5 DQ। आई होप सो कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और CFAC की वैल्यू कैलकुलेशन करने में कहीं से कहीं तक भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। काफ़ी इजीली मैंने आप लोगों को इस कंसेप्ट को डील किया है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, पेयरिंग एनर्जी वाला भी आप लोगों को बता दिया है, अब हम कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं बच्चों, एक एक करके कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और टर्म्स में बता देना चाहता हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, कोई परमानेंट मेमोरी में आप लोगों का सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका क्या है बच्चों, सीरीज विच इज डिफाइंड बाय CFAC टू कंपेरिजन बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट एंड वीक फील्ड लिगेंट। तो यहाँ पर बोलेंगे फॉर कंपेरिजन ऑफ वीक फील्ड लिगेंट एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट some order will provided by
प्रोवाइड बाय CFSE दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात समझ लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा, मैं आपको याद भी करा दूंगा। आई सबसे कम, बी आर माइनस सबसे कम, उसके बाद एस सी एन माइनस, उसके बाद आपका होगा सी एल माइनस, एस टू माइनस, और आपका हो जाएगा एफ माइनस। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा इसको याद करने का तरीका क्या है। अब देखो मैं तीन फेज में लिखूंगा, तीन पार्ट में मैं इसको यहीं से लिखता जाता हूँ। ओ एच माइनस, ओ एक्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सलेटो सी टू ओ फोर माइनस ओ एक्स, फिर आ जाएगा एच टू ओ। अब इसके बाद आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग वाले, ठीक है, एन सी एस माइनस, उसके बाद आ जाएगा ए डी टी ए, ए डी टी ए फोर माइनस, उसके बाद आ जाएगा एन एच थ्री, उसके बाद आ जाएगा वो एन एच थ्री के इक्वल होगा पी वाई पीरिडीन, ई एन के इक्वल होगा डाई पाई। ठीक है, आप लोगों को पहले भी लिखवाया गया है कुछ ऑर्डर, लेकिन अभी वाला आप लोगों को 24 घंटे ध्यान रखना है। NO2, उसके बाद आ जाएगा CN माइनस, और उसके बाद आ जाएगा CO। CO सबसे स्ट्रॉन्ग है और I माइनस सबसे वीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक मैं न्यूमोनिक्स आपको बता देता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं। एक बार सचिन क्लास से फरार। अब बात समझना बेटा, एक बार सचिन क्लास से फरार, ये याद रखना। इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहां से यहां तक एक दो बार इस पर प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। और ऑक्सलेटो को इसको बोलते हैं पानी, ऑक्सलेटो को पानी से प्यार, एक बार सचिन क्लास से फरार, ऑक्सलेटो को पानी से प्यार, याद रखने का तरीका है। और ऑक्सलेटो को पानी से प्यार, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेटो को पानी से प्यार, ठीक है, पानी से प्यार। अब यहाँ से यहाँ तक का आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक का कैसे ध्यान रखोगे, नाचते हुए, ठीक है, ध्यान रखो, नाचते हुए उड़ता अमोनिया, इसके बाद क्या आएगा, उड़ता अमोनिया, अमोनिया को ऐसे लिख देता हूँ, ये जल्दी याद होगा, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कैनेडा एंड कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है, क्या है तरीका याद करने का, समझो, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेटो को पानी से प्यार, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया में मिला, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कोरिया एंड कोलंबिया में मिला। ये न्यूमोनिक्स आप लोग ध्यान रखो, ताकि आप लोगों को न्यूमोनिक्स पे आप लोग इसको बनाओ, आप लोगों को याद पक्का, आई एम डिडेम श्योर कि आप लोगों को पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है आप लोगों को ये याद करने का, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक आपके जितने भी आते हैं बच्चों, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। किसकी कैटेगरी में आएंगे बच्चों, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में, ठीक है। ये आपका वीक होता है, लेकिन कहीं कहीं होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा आएगा बच्चों, आपके ये एग्जैक्ट ऑर्डर है, इसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में, ये आएगा वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, ठीक है। एक और बार देख लो, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेटो को पानी से प्यार, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कैनेडा एंड कोलंबिया में मिला, ठीक है। अब आप लोगों को आगे होगा काफ़ी ईजी लग रहा होगा, काफ़ी रिलैक्सेशन मिल रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इससे रिलेटेड नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन CFSE से रिलेटेड,
देन आफ्टर आप लोगों को कलर भी पढ़ना है, ठीक है। द वैल्यू फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 0.4। ए ऑप्शन दिया है बच्चों मैंने यहाँ पर, K2MnF6। बी ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पर K3FeCN6। सी ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पर K3FeF6। और डी ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पर K4FeCN6। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को डील करना है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि इसके थ्रू मैं अगर चारों ऑप्शन को डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को 100% डेम श्योर ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने का मेरा वही पर्पज़ होता है कि मैं अगर चारों ऑप्शन बता दूंगा तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने चार क्वेश्चन करा दिए। आप लोगों को ही बेनिफिट, मुझे तो नहीं है। अब देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ए ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर पहले समझो, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आप लोग अब समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? कोऑर्डिनेशन नंबर कल मैंने डायग्राम बनवाया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। समझ में आ गया? देखो 6। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है बच्चों? 6 है। यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। यहाँ पर आपका कौन सा फील्ड लिगेंट है बच्चों? ये आपका वीक फील्ड लिगेंट है, फ्लोरीन है ना, ये आपका वीक फील्ड लिगेंट है। ये आपका कौन सा लिगेंट है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंट है। ये आपका कौन सा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। कौन सा है बच्चों? ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। यहाँ पर ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। ये आपका एफ माइनस कौन सा है? अभी मैंने ऑर्डर लिखा है उसमें देख सकते हो, ये आपका वीक फील्ड लिगेंट होगा। पूरा एनालिसिस कर लो, पूरा एनालिसिस, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर सी एन क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। आई होप सो कि अब आपने पूरा एनालिसिस कर चुके हैं क्वेश्चंस को, अब हम चालू करते हैं। ठीक है, एक हम ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में, एक हम वीक फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पर MN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। MN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों? यहाँ पर आएगा आपका -2। अब निकालो, सबसे पहले ये भी निकाल लो, एक्स प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -2। तो क्या जाएगा? x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों यहाँ पर? आप देखो सारा काम आएगा, जितना हमने पिछले पढ़ा है वो सब काम आने वाला है इसमें, सब के सब। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 4 हो जाएगा, 6 है, K2 है, प्लस -2, ये यहाँ पर -6, यहाँ पर हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर Fe का निकालो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -3। तो कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -3। तो यहाँ पर क्या हो गया? x इक्वल टू +3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? Fe का जल्दी बोलो, x प्लस 6 माइनस 1 -3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू +3। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 4 माइनस है, यहाँ पर 4 माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर Fe x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -4, देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका +2। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया, तो यहाँ पर MN कौन सा वाला है बच्चों? यहाँ पर MN आपका +2 वाला है, यहाँ पर MN Fe +3 वाला है, यहाँ पर Fe कौन सा वाला है बच्चों आपका? +3 वाला है, और यहाँ पर Fe कौन सा वाला है बच्चों आपका? +2 वाला। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ एक और बात है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो आइसोलेटेड स्टेट में MN का कितना होता है बच्चों? 3d5 4s2। एक और बात ध्यान से सुनो, कितना होता है? 3d5 4s2, यहाँ +4 है। 3d5 क्या होता है? 4s2। तो 3d5 4s2 में से अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो क्या बनेगा? s गायब और वहाँ पर 3, तो यहाँ पर होगा 3d3।
3D3, तो यहाँ कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? D3। इसका बताओ Fe+3 का क्या होता है? 3D6 4s2। क्या होता है? 3D6 4s2। तीन इलेक्ट्रॉन निकालो, दो निकला, वहां से क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर? 3D5। तो यहाँ D5 ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी आपका 3D5 होगा, सिमिलर है इसलिए D5 ऑर्बिटल है। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर होगा बच्चों आपका 3D6 और ये आपका D6 ऑर्बिटल है। तो ये मैंने बना लिया, अब सारे का सारा मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेटरी वे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसके कॉम्प्लेक्स को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले MN, ये ऑक्टाहाइड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब सारे के सारे क्या है? ऑक्टाहाइड्रल है। सारे के सारे क्या है बच्चों? यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल है। ये भी आपका क्या है बच्चों? ऑक्टाहाइड्रल है। देखो बहुत इजी है, ये भी आपका ऑक्टाहाइड्रल है, ये भी आपका ऑक्टाहाइड्रल है, ये भी आपका ऑक्टाहाइड्रल है और ये भी आपका ऑक्टाहाइड्रल है, ठीक है। सारे के सारे आपके क्या है बच्चों? यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का बात किया है, ठीक है ना। मैंने बस इसका एक्सप्लेन पूरा कर दिया है ब्रॉडली, तो आप लोग जितना ब्रॉडली एक्सप्लेन करोगे एक दो बार आपको आ जाएगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपका कैसे बनता है समझते हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपका कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये तो आपका बनता है, अब यहां से यहां तक कितना होगा बच्चों? यहां से यहां तक कितना होगा? देखो -2/5 डेल्टा नोट, और यहां से यहां तक कितना होगा बच्चों? 3/5 डेल्टा नोट, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पर ये कितना होगा बच्चों? देखो ये वाला बताओ, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी होती है? एक और बार मैं 5 बार लिखवा चुका हूँ इसको, अब तो आपको आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा डेल्टा नोट, ठीक है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाला 3 इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, तो पहले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन भरा। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बच्चों? ये कौन से फील्ड के लिगेंड के प्रेजेंस में? वीक फील्ड के, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। आप CFAC निकालो, CFAC कितना आएगा इसका निकाल लेते हैं, कितना होगा? ऊपर वाला तो 0 है, +3/5 × 0 -2/5 × 3 डेल्टा नोट, पी की वैल्यू नहीं है तो 0p, कितना हो गया बच्चों यहाँ पर? -6/5 डेल्टा नोट। तो क्या ये 0 है? नहीं है, तो इसके लिए कितनी वैल्यू आ गई? -6/5 डेल्टा नोट। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर -1.2 डेल्टा नोट। इसका कितना हो जाएगा बच्चों आपका? -1.2 डेल्टा नोट। देख लेते एक और बार, चेक कर लेते 5, 2/5, ठीक है, 2/5 मतलब 0.4 × 3, 1.2 डेल्टा नोट, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, इसके लिए 1.2 डेल्टा नोट। अब इसके लिए निकाल लेते हैं, इसके लिए कैसे निकालेंगे बच्चों? अब देखो अगला है बच्चों, इसके लिए मैंने लिख लिया, अब अगले के लिए निकाल लेते हैं, अगले के लिए मैं निकाल लेता हूँ। अगले में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? अगले में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, ये पेयरिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो यहाँ पर CFAC यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? तो +3/5 × 0 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आएगा? -2/5 × 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डेल्टा नोट, प्लस यहाँ पर 2 पेयरिंग लगेगी, इसका मतलब ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पेयरिंग तो लगेगी ना, तो ये 0 तो होगा नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, निकाल लेते हैं फिर भी, कितना हो जाएगा? -10/5 डेल्टा नोट +2p, तो कितना हो गया? -2.0 डेल्टा नोट +2p।
तो इसका क्या कितना आएगा, -2.0 डेल्टा नोट प्लस 2p। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। अगला कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड। अगला देख लेते, अगले वाले का देख लेते बच्चों। वीक फील्ड लिगेंड किसके प्रेजेंस में बच्चों, कौन सा बोला है बच्चों, इसका होता है 2/5 डेल्टा नोट। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड आपका D5 दिया है ऑर्बिटल, वो भी किसके प्रेजेंस में बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। तो देख लेते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, 2, 3, 4, 5। तो देखो क्या आएगा बच्चों, पेयरिंग तो नहीं होती ना वीक फील्ड में। तो देख लेते हैं CFSE आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका CFSE हो जाएगा, देख लेते, 3/5 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 माइनस 2/5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू डेल्टा नोट प्लस पेयरिंग हो रही है, 0 पेयरिंग है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/5, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6/5। तो 6/5 माइनस 6/5 डेल्टा नोट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो 0 केवल और केवल किसके लिए बच्चों, आप लोगों को आगे होगा, इसके लिए आपका 0 है। ठीक है, इसके लिए आपका कितना है, 0 है CFSE। तो इसके लिए अब आपको निकाल के बताना है कि CFSE कितना होगा, ये आपका होमवर्क है। सो प्लीज कैलकुलेट द आंसर एंड देन गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। ठीक है, आप लोग देखो क्वेश्चन को जितने प्यार से करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा है। ठीक है, अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन बोला गया है, कैलकुलेट CFSE इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नोट फॉर D5 हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आप लोगों को निकालना है। ये क्वेश्चन है, काफी इजी है बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, काफी इजी है। अब देखो, सबसे पहले आपको CFSE कैलकुलेट करना है, किसके लिए, D5 हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब क्या होगा, जनरली वीक फील्ड लिगेंड, ये समझ लो, लिखवाया डेफिनेशन लिखवाया गया है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड जनरली आपका कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, चलो अब CFSE कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर दिया गया है ऑक्टाहेड्रल, मतलब CN=6। ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे बनता है बच्चों, एक ऑक्टाहेड्रल पे बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अब 2 ऊपर जाएंगे और 3 नीचे आएंगे, दैट इज कॉल्ड T2g ऑर्बिटल एंड दैट इज कॉल्ड Eg ऑर्बिटल। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू होगी 2/5 डेल्टा नोट प्लस में, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, माइनस में, सॉरी इसके नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पर हो जाएगी प्लस 3/5 डेल्टा नोट। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं बरी सेंटर, ये तो आप लोगों को अब याद होगा, इसको बोलते हैं बरी सेंटर। ठीक है, चलो इस तरीके से अब हमको किसके लिए निकालना है, D5 के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 D5 के लिए आप लगाओ वीक फील्ड लिगेंड के कंडीशन में, 1, 2, 3, 4, 5। अब CFSE लगाओ, CFSE मुझे दिख गया है आंसर होगा जीरो। तो आप अगर कैलकुलेट भी करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5। 3/5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस 2/5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और पेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पर डेल्टा नोट, यहाँ पर अगर पेयरिंग नहीं हो रही तो 0 पी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। देखो काफ़ी इजीली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन होंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब सारे के सारे अनपेयर होंगे, अनपेयर होने का मतलब वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इजीली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्या बच्चों, ये तो था हम लोगों का क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में
मैं कुछ और भी क्वेश्चन लेते हुए आगे की ओर मूव करूंगा। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से, काफी सिंपली वे में समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है। और मैं आपको अभी डीपीपी भेजूंगा, 6 क्वेश्चन भेजूंगा, वो सारे के सारे 6 क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व, ठीक है। उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अभी लॉकडाउन है उसका फ़ायदा उठाइए घर पे रहने का, बस मेरा यही है। आप 50 डाउट मुझसे बार बार पूछिए, ठीक है। जैसे ही डाउट सेशन आता है तो इतने डाउट लेके आइए कि मैं कम से कम 2 घंटे से पहले फ्री ना हूँ, मुझे 2 घंटा एकदम आप परेशान कर दीजिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, आप लोगों से ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरा, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।